महाभारत में कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने पाप तो किए लेकिन उनके पाप उस तरह से सामने नहीं आए जैसे दुर्योधन और शकुनि के पाप सामने आए थे। आज हम ऐसे ही कुछ नामी योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मजबूरी में ही सही लेकिन उन्होंने पाप जरूर किए थे, और कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिनको मारना इतना आसान नहीं था, लगभग नामुमकिन था। बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें कई वरदान भी प्राप्त थे लेकिन उनको छल से मारा गया था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। तो पहले हम उन योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पाप किया था और उनके पाप सामने नहीं आए थे। इसमें पहला नंबर है भीष्म पितामह। पितामह ने न चाहते हुए भी अपने जीवन में कई तरह के पाप किए थे। भीष्म पितामह ने अंबा, अंबिका और अंबालिका को उनके स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था। साथ ही जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो उस टाइम भी वो खामोश थे और पाप के भागीदारी बने थे, और युद्ध में उन्होंने पांडवों को अपने मृत्यु का राज बता दिया था जिसे धर्म ग्रंथों में युद्ध के नियमों के खिलाफ माना जाता है। तो इस तरह से वो पाप के भागीदारी बने थे। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण पर पुत्र और शिष्य के मोह का पाप था। पुत्र के मोह में ही गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़ करके चले गए थे लेकिन अश्वत्थामा के समझाने पर वो पुनः युद्ध में वापस आए और अंत में पुत्र के मोह में ही उनके प्राण चले भी गए। आगे बात करेंगे कि किस तरह से उनका पुत्र मोह में प्राण चले गए थे। साथ ही द्रौपदी के चीर हरण में वो भी खामोश ही थे, और शिष्य मोह में उनको पाप ये था कि एकलव्य जब उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया तो उन्होंने भेदभाव किया था, और अर्जुन के मोह में उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था और उसे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही उन्होंने मांग लिया था, और अभिमन्यु के वध में उन्होंने कौरवों का साथ भी दिया था। तो ये पाप थे उन पर। अगले हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को एकमात्र पाप था कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के वध में छल किया था। दरअसल उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, उन्होंने उनके मृत्यु की झूठी खबर फैला दी और जिसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये था पाप धर्मराज युधिष्ठिर पर, और साथ में ही वो अपने पत्नी को हार गए थे जुए में। जबकि किसी वस्तु को जुए में दाव पर लगाया जाता है, ना कि अपनी धर्म पत्नी को। तो अपने भाइयों में वो ज्येष्ठ थे इसलिए उन पर ये पाप लगा था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह किया और महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी पांडवों के पांचों पुत्रों जो कि बेगुनाह थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। और सबसे बड़ा पाप इसका ये था कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी और उसके गर्भ पर इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान श्री कृष्ण के बहुत समझाने के बाद भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया, और जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम इस मृत्यु लोक पर तड़प तड़प करके अपना जीवन व्यतीत करोगे, तुम मरने की इच्छा करोगे तब भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, और आज भी अश्वत्थामा इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर अपना ये श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। दुर्योधन। दुर्योधन ही महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र था जिसको कभी धर्म परायण नहीं माना गया, और इसी का एकमात्र ऐसा पाप था जो सबके सामने खुल करके आया था। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए थे। उसने भीम को जहर देने से लेकर लक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की, और पांडवों से उनका राज्य छीनने से लेकर के द्रौपदी के चीर हरण तक कई सारे पाप किए थे। चलिए अब बात करते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिनको मारना तो नामुमकिन था लेकिन छल से मार दिया गया। भीष्म पितामह। छल से मारे गए योद्धाओं में भीष्म पितामह भी शामिल थे। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 9 दिनों तक पांडवों के लिए वो एक परेशानी का कारण बन गए थे। उन्होंने अकेले ही कोहराम मचा रखा था और पांडवों को ऐसा रियलाइज होने लगा था कि इनके रहते युद्ध को जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम 10वें दिन भीष्म पितामह के सामने श्रीखंडी को ला करके खड़ा कर दो, और अर्जुन ने ऐसा ही किया। श्रीखंडी अगले जन्म में वही अंबा थी जिसको भीष्म पितामह ने उसके स्वयंवर से उसका अपहरण कर लिया था। भीष्म पितामह की एक खासियत थी कि वो कन्या पर शस्त्र नहीं उठाते थे, और श्रीखंडी चूंकि वो एक किन्नर थी लेकिन वो उसे कन्या ही मानते थे, और जब वो सामने आई तो भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे रख दिया, और इसी बात का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर वाणों की वर्षा कर दी, और इसके बाद भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेट गए। इसके बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाया तब जाकर के उन्होंने अपने प्राण त्यागे। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में पांडवों ने मारने के लिए
भगवान श्री कृष्ण के सलाह पर छल का सहारा लिया। दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा तो उनका पुत्र था ही, लेकिन उस महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी शामिल था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर वो जोर जोर से चिल्लाए कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया। और जब ऐसा भीमसेन ने किया तो गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये सब सुना तो वो सुनते ही जमीन पर बैठ गए और हथियार छोड़ दिए। और इसी बीच धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य के शीश को धड़ से अलग कर दिया। अंगराज कर्ण। जब अंगराज कर्ण के रथ का पहिया महाभारत के युद्ध में धस गया और अंगराज कर्ण रथ के पहिया को निकालने लगे, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि अंगराज कर्ण को पराजित करना लगभग नामुमकिन था, उसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता था। और उसी मौके का फायदा उठा करके अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाया और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन। महाभारत युद्ध का अंतिम योद्धा था दुर्योधन, और दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से ही किया था। आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि जब दुर्योधन को अपनी माता गांधारी के सामने जाना था अपने शरीर को वज्र करने के लिए नग्न अवस्था में, तो जब वो उनके सामने गया तो उसने केले के पत्ते से अपने कमर के नीचे के हिस्से को ढक लिया, जिससे उसका जो शरीर था वो पूरा वज्र का नहीं हो पाया, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा जो था वो वैसे ही रह गया। और ये बात पांडवों को नहीं पता था, वो बात सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे। और जब युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ तो उसमें भीम हार रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वो दुर्योधन के कमर के निचले हिस्से पर वार करे। और इस तरह से भीम ने जब उसके कमर के निचले हिस्से पर वार किया जंघे पर, तो उसका जंघा टूट गया और इस तरह से छल से दुर्योधन का भी वध कर दिया गया। जयद्रथ। अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ भी शामिल था। जयद्रथ को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया था, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से जयद्रथ समेत कौरवों को ये लगा कि अब शाम हो चुकी है। और जयद्रथ को वरदान था कि दिन के उजाले में उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो उसने समझा कि शाम हो चुकी है, तो वो अर्जुन के सामने आ गया। और वो जैसे ही अर्जुन के सामने आया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य की किरणों को आजाद कर दिया और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो ये थे महाभारत के वो योद्धा जो पापी भी थे और इनको छल से ही मारा जा सकता था। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी सनातनी अपडेट के लिए। हम शॉर्ट वीडियो में ज्यादा बातें करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।